फर्रुखाबाद से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग रहे मौजूद। युवाओं ने तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय गीतों की धुन पर डीजे पर बजते रहे गाने। मानवाधिकार के पदाधिकारी ने भारत माता की झांकी निकालकर तिरंगा यात्रा को बनाया भव्य। फर्रुखाबाद के गुड़गांव देवी मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए स्वराज कुटी तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा में सम्मिलित सभी युवाओं से अनुरोध है कि डीजे की गाड़ी को आगे चलने दें और सभी कृपया डीजे के पीछे चले। एक एक लाइन में सब लोग चले। कोई व्यवधान यात्रा में नहीं उत्पन्न होना चाहिए किसी प्रकार का। ये हमारा अनुरोध है आप सभी से और विक्रम के अनुरोध को अनदेखा ना करें। एक साइड से हो जाए जगह दें डीजे वाली गाड़ी को निकलने के लिए जगह दे भैया। आगे से रास्ता खाली कर दे ताकि किसी को चोट और राहत ना पहुंचे। थोड़ी सी जगह बनाए चलो थोड़ी थोड़ी जगह बना दे जगह बना के चले थोड़ी 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 जगह बनाइए। भारत माता की हमारी टीम के सभी लोग सहयोग करेंगे यात्रा को एक तक चलने में। जोश कम नहीं होना चाहिए। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, किस तरीके से आपने इसे जो है बनाया है? मैं धीरज कुमार पांडे, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध एवं बीबीगंज युवा कमेटी लगातार पिछले 3 वर्षों से तिरंगा यात्रा निकाल रही है फरुखाबाद में। हम लोगों ने प्रयास किया था, जब स्टार्ट किया था इस यात्रा को, तो एक ही उद्देश्य था कि इस यात्रा में हम हर प्रकार के, हर रूप के रंग सम्मिलित करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी हैं आपस में भाई भाई। राजनीतिक लोगों ने इनको छिन्न भिन्न कर दिया है, सत्ता के लोलुपता में जातियों को भी विभाजित कर रहे हैं। हमने सिर्फ उनको एक मंच पर खड़ा करने का एक चींटी के बराबर प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और बीबीगंज युवा कमेटी के संरक्षक प्रांशु साठ जी, इन्होंने जो प्रयास किया है एक मंच पर, आज यहाँ पर विभिन्न संगठनों के लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारे किसान भाई भी सम्मिलित हैं, जिसमें व्यापारी भाई भी सम्मिलित हैं, जिसमें कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, और जो लोग हम लोगों को स्वच्छता देते हैं ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं। वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक को, हिंदू से लेकर मुस्लिम तक को एक करने का प्रयास किया है हम लोगों ने। और जब तक हम लोग जीवित हैं ये सेवा और ये भाव से निरंतर कार्य करते रहेंगे। जो लोग देश की चुनौती है, अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोगों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए, अपनी सत्ता की लोलुपता के लिए विभाजित मत करिए, क्योंकि हम जितने ही टुकड़ों में बटेंगे उतने ही तोड़े जाएंगे। ऐसा उदाहरण हमारे बांग्लादेश में अभी देखने को मिला है। हम जब एकत्रित रहेंगे, जब एक भाव रहेगा, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि रही है जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और हमारे हल चलाने वाला किसान भी था। सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, उनके इस बयान को आप किस तरह लेते हैं? बेहद ही निंदनीय बयान दिया है। इतने उच्च पद पर रह चुके हैं वो, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देने से पहले। वो भारत की एकता और अखंडता को धूमिल करना चाहते हैं। मैं उनको ये बोल देना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए सलमान खुर्शीद जी, ये हिंदू मुस्लिम अब लड़ने वाला नहीं है। ये युवा पीढ़ी जान चुकी है कि आप आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि सत्ता लेने के बाद कोई भी आम जनमानस के संपर्क नहीं करता, आम जनमानस के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जो उनको लगे कि आप। अनिल कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान कठेला गर्वी विकास खंड इटवा सिद्धार्थनगर की ओर से समस्त देशवासियों एवं ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिजवान अहमद, पूर्व ग्राम प्रधान कठेला गर्वी विकास खंड इटवा जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्येंद्र पांडे, ग्राम बंधुवारी चौराहा इटवा जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहेल आलम, महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। FS यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी भवर सिंह, नगर पालिका परिषद तुंडला अध्यक्ष की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानदीप हाई सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक रजनी यादव शिकोहाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीताम्बर पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स नया घर मोतीलाल रोड आगरा मैनेजर सौरभ अग्रवाल की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पोरवाल धर्मशाला के सामने गंज बाजार शिकोहाबाद जय किशन सिंह स्वर्णकार एंड सन्स दीपक वर्मा और जय किशन की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री महावीर ढाबा शुद्ध शाकाहारी आगरा फेमस रेस्टोरेंट बेस्ट प्राइस अंडरपास छलेसर फिरोजाबाद रोड आगरा मुनेश कुमार एडवोकेट की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम घी डिपो प्राइवेट लिमिटेड 525 बड़ा बाजार शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश गौरी शंकर प्रेम नारायण की ओर से समस्त देशवासियों को
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। NH2 हाईवे अदमतपुर ब्रिज के नीचे फिरोजाबाद रोड आगरा FH मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रहमान फारूकी की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ समाजवादी नेता शब्बीर अब्बास व समाजवादी पार्टी आगरा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मक्खनपुर ओके ग्लास आशीष बंसल की तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रतन घी डिपो प्राइवेट लिमिटेड बड़ा बाजार शिकोहाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी आजाद कुरैशी प्रमुख समाज सेवी की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। CBSE बोर्ड द्वारा संचालित सर्वेलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर डाक बंगला फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।